एक गांव में बहुत ही बदमाश लड़का रहता था जिसका नाम चटोरा था। वो हर किसी से झगड़ा करता था और हर किसी से उल्टा बोलता था। इसलिए चटोरा का कोई दोस्त नहीं था, वह हर समय अकेला ही रहता था। फिर एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने नए दोस्त बनाऊं। फिर चटोरा हर किसी के पास जाकर उनकी तारीफें करने लगा। लेकिन सबको पता होता है कि चटोरा बहुत ही बदमाश लड़का है, इसलिए कोई भी चटोरा से दोस्ती नहीं करता। फिर चटोरा सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि सब मेरे दोस्त बन जाएं। वह बहुत परेशान होता है। फिर वो अपनी माँ के पास जाता है और उनसे पूछता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि सब मेरे दोस्त बन जाएं। फिर चटोरा की माँ हंसते हुए कहती है कि तुम अपने साथ के सारे बच्चों से बोल दो कि कल मेरा जन्मदिन है और तुम सबको मेरे घर दावत पर आना है। इसी तरह चटोरा सारे बच्चों को बोल देता है और अगले ही दिन गांव के सारे बच्चे चटोरा के घर आ जाते हैं। और फिर चटोरा की माँ बड़े प्यार से सबको खाना खिलाती है और फिर चटोरा को बोलती है तुम भी इन्हीं के साथ बैठकर भोजन कर लो। फिर चटोरा भी उन्हीं के साथ भोजन करने बैठ जाता है। फिर सबको बताता है कि मैं सुधर गया हूँ और फिर उनसे बातें करता है। अब मैं किसी से झगड़ा नहीं करूँगा और मैं सबकी मदद करूँगा। और यह बात सुनकर सारे बच्चे हैरान रह जाते हैं और फिर वो चटोरा से दोस्ती कर लेते हैं और चटोरा के अब बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं और फिर वो बहुत खुश होता है।